Hey guys, welcome back to my channel Maths Marrow. I'm your host and dost Ankita Vashisht. So, आज मैंने binomial theorem start कराया है class 11th का and इसमें मैंने NCERT cover करवाई है 8.1 का. मैंने question number 1 and question number 6 करवाया है, क्योंकि जो question number 1 है वो question number 2, 3, 4 and 5 के same है, like equal है. अगर आपको नहीं समझ आ रही है 4, 5, 6 कैसे करने हैं तो let me know in the comment section. और जो question नहीं हो रहा उसकी मैं अलग से video बनाऊंगी तुम्हारे लिए ऑल्सो. और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके रिस्पेक्टिव आगे क्वेश्चन सेम है, बट बच्चों से प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कहाँ गलती हो रही है, कौन सा स्टेप उनका गलत हो रहा है, इसलिए उसकी मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगी. बट अभी इसका मैंने 1 और 6 का ही वीडियो बनाया है, तो टू वॉच दिस. ऑल्सो अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन, एंड मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है. उसमें आपको मैं नोट्स भेजूंगी जो मैंने करवाया, उस सबके नोट्स और जो मैं पीछे करवा चुकी हूँ जितनी भी वीडियोस उसके नोट्स भी उसमें होते हैं, तो यू कैन चेक दैट एंड लेट्स रोल. गाइज, सबसे पहले तो सॉरी अगर बीच में आपको डिस्टर्बेंस सुनती है, बिकॉज यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है. सो आई हैड टू मेड अ वीडियो. अब कंस्ट्रक्शन का वेट नहीं कर सकते थे ज़्यादा देर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया मुझे वीडियो पोस्ट करे. सो आर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि 1 - 2x^5 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, राइट? तो हमें जैसे बायनॉमियल एक्सपेंशन पता है, हम उसे वैसे भी कर सकते हैं. बट बिफोर सॉल्विंग दैट मैं तुम्हें स्टार्ट ही ट्रिक से कराना बताऊंगी, क्योंकि उसको पढ़ने का मेरे को नहीं लगता है सच कोई फायदा है. अगर तुम कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो तुम्हें एक्सपेंशंस एज इट इज मिलेंगे, तो तुम उन्हें लर्न करो रादर देन इसका एक्सपेंशन. इसके एक्सपेंशन का जो ट्रिक एक्सपेंशन वो ही बताऊंगी, बस उसको एक्सपेंशन को लिखने का एक ट्रिक है सिंपल सा, मैं तुम्हें वो बताऊंगी कैसे लिखना है. देखो, एक लिखने का ना तरीका बता रही हूं सिंपली. यहां पे 1 - 2x^5 है, राइट? अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन होता 1 - 2, 1 + 2x^5, तुम उसको कैसे सॉल्व करते, मैं तुम्हें ये बता रही हूं. बस मैंने बीच में प्लस किया, बाकी सब सेम है. हम स्टार्ट कहां से करते हैं? कॉम्बिनेशन की हेल्प से 5c0, राइट? देन प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5. हमारा अल्टीमेट रीजन क्या होता है इसका, कि जैसे कि यहाँ पे 5 है इसकी पावर में, हमने कितनी टाइम्स लिखने होते हैं, हमें कितनी टर्म्स चाहिए होती हैं, 5 + 1 = 6. तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे पास 6 टर्म्स आ गई हैं, राइट? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैंने 5c0, 5c1, 5c2 ये सारा लिख दिया, 5c5 तक लिख दिया. अब सबसे पहली टर्म उठाऊंगी 1. 1 की पावर हाईएस्ट कितनी रहेगी? 5, क्योंकि 5 गिवन है. देन 1 की पावर कम होती जाएगी, 0 तक आएगी, 4, 3, 2, 1 एंड देन 1 की पावर 0. नेक्स्ट टर्म उठाएंगे 2x. 2x की पावर अब स्टार्ट होगी, अगर यहां से 5 से किया तो इसको 0 से करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये है, अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो. तुम्हें पता होगा एनसीआर का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, तुम इसे अप्लाई कर सकते हो. बाकी मैंने पास्कल ट्रायंगल की भी वीडियो डाली है, तुम वो भी देख सकते हो. तो इस तरह से है, इसको ऐसे ही करना है. मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी प्लीज इनको साइड बाय साइड मत लिखना, क्योंकि गलती हो जाती है. गलती इस पॉइंट पे होती है 3-2 पे या फिर 3-3 पे. अब तुमने 3-2 लिख दिया, अगला तुम यहां पे 2-3 की जगह 3-2, या यहां पे तुम लिख दोगे 4, यहां पे लिख दोगे 1, ये गलती जरूर करोगे. लाइक इस गलती के मैं तुम्हें लिख के बता रही हूं 99% चांसेस हैं इस गलती के. लाइक बच्चे ये गलती करते ही करते हैं, इतनी ज्यादा कॉमन मिस्टेक है. इसलिए मैंने तुम्हें इसी में सबसे पहले ये लिखवाया, फिर उसके बाद तुम्हें पावर्स लिखवाई है, फिर दूसरे की पावर्स लिखवाई है, और इसको इसी तरह ही लिखना है. प्लीज इसको इसी तरह ही लिखें.
दोनों को साइड बाय साइड मत लिखें अंटिल अनलेस तुम बड़ी प्रो हो गए हो लिखने में, मैं तो तब भी रेकमेंड नहीं करूंगी ऑनेस्टली। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, प्लस वाला तो तुम्हें समझ आ गया, माइनस वाले में बस एक ही डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस है। इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया ना, इसको 5 से 5 तक लिखना है, दिस प्लस 1 दैट इज 6 टर्म्स होनी चाहिए और ये हमारे पास है। अब इसका डिफरेंस क्या है, यहां आएगा प्लस से स्टार्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जो ये सेकेंड टर्म है ना, जैसे फर्स्ट टर्म में तो मैं लिख दिया, सेकेंड टर्म में मैं माइनस 2x नहीं लिखूंगी, इसको सिंपल 2x की तरह ही ट्रीट करूंगी, क्योंकि प्लस माइनस वाला जो केस होता है, जो दिक्कत होती है, वो निकाल दी। अब गाइस, प्लस और माइनस वाले का आंसर एकदम सेम होता है ओनली इन अ केस जब x और y के वेरिएबल्स डिफरेंट हों। अगर वेरिएबल्स डिफरेंट ना हो, लाइक सेम सेम ही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता खास, और सिर्फ तभी फर्क पड़ता है जब x और y के वेरिएबल्स सेम हो, सॉरी डिफरेंट हो। ओके, अब यहां पे 1 की पावर जाएगी 5 और 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, देन 1, देन 0। अब 2x है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, देन नथिंग बट 5, राइट। अब इसका आंसर आएगा 1 - 5 इंटू 2x, ठीक है, 2x प्लस, देखो 4 की पावर, 1 की पावर 4 है तो वो तो 1 ही रहेगा, आई होप इतना तो आपको समझ लग गया हो। 5 से 2 होता है 10 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5 से 3 अगेन 10 8x क्यूब प्लस 5 से 4 इज 5 इंटू 16x पावर 4 देन माइनस 32x पावर 5, आई होप इतना आपको पता लगा हो। आगे और फर्दर कैलकुलेट करेंगे इसको, 1 - 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब देन प्लस 80x पावर 4 देन माइनस 32x पावर 5। सो दिस इज योर आंसर एंड एज वेल एज एक्सटेंशन ऑफ 1 - 2x पावर 5। आई होप इतना आपको समझ आया हो, अगर आपको नहीं समझ में आया, यू कैन अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट वाई मैं आपको इसका सोल्यूशन और अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन करूं। बाकी मैंने ट्राई किया है आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने का, इन केस आपको नहीं समझ आया प्लीज लेट मी नो एंड थैंक यू। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे उसके वो सेम थे, ये डिफरेंट टाइप आ गई है मेरे पास, तो मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको करने के जी हमारे पास है दो मेथड्स, आप दो मेथड्स को इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला कैसे कर सकते हो, याद है तुम 90 में प्लस कर दो 6 और पावर कर दो 3, ऐसे सॉल्व कर दो, ठीक है। या तुम कर सकते हो, सेकेंड मैथड इज 100 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो और क्यूब कर दो। आई वुड लाइक टू यू नो सजेस्ट कि तुम ये मेथड नहीं करो, ठीक है, यही मेथड प्रेफर करो, क्योंकि हमेशा टेन्स हंड्रेड थाउजेंड्स में करोगे ना तो क्या होगा, देखो तुम 90 का क्या कहते पावर 1 कर लोगे, 90 की पावर 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, 4 कर लोगे, 5 कितनी कैलकुलेशन करोगे भाई, इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी। अब देखो अगर मैं तुम्हें कहूं 100 की पावर ले लो, 100 की पावर 1 लोगे, सपोज 10 ले लेते हैं, 10 की पावर 1 एक 0, 10 की पावर 2 साथ में 2 0, 10 की पावर 3 साथ में 3 0, मैं तुम्हें बोलू 10 की पावर 8 साथ में 8 0, 9 की पावर 8 कितनी कैलकुलेशन करोगे तुम, डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो बस उसी डिफिकल्टी से बचने के लिए हम 10, 100, 1000 ऐसे लेते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने तुम्हें कहा 10 के साथ करते हैं, ये वाला लेके करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगी कैसे, 90 पावर 3 इज 100 माइनस 4 की पावर 3, राइट। अब तुम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2ab से भी आंसर निकाल सकते हो, पर हमने प्रॉपर उन्हें शो करना है कि हमने बायनॉमियल से करा है, तो वो कैसे लिखोगे तुम। मैंने बोला है 3 है तो कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 प्लस 1 दैट इज 4 टर्म्स, कैसे आएंगी, 3 से 0,
3C1, 3C2 and 3C3. 1, 2, 3, 4. मतलब all is correct. अब minus है तो plus, minus. Right? आगे चले. First term 100 है. तो 100 power, सबसे पहले आएगी 3. 100 power 1. 100 power 2. 100 power 3. Next is 4. 4 power 0. 4 power 1. 4 power 2. 4 power, 3, 2, 1, 0. Sorry guys, गलती हो गई मेरे से. 0, 1, 2 and 3. I hope इतना पता लगा हो आपको. आगे चलते हैं. 3C0, क्या आएगा 1. 100 power 3, तो मतलब 100 power 3, minus. अगला 3C1 is 3, 100 power 2 को मैं ऐसे लिख रही हूँ, 100 की power 2. 4 power 1 is 4. ठीक है जी, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है. देन प्लस 3 पार 2 इज अगेन 3, अगेन 100, अगेन 4 का स्क्वायर लिख देती हूँ 16, माइनस 3 पार 3 अगेन 1, तो ये क्या जाएगा साथ में, एनीथिंग पार 0 इज ऑलवेज 1, और 4 की पार 3 को लिख दूंगी 4 की पार 3. ओके, एक सिंपल सी चीज है, फैक्ट है जो तुमने याद रखना है, वो ये है कि अगर मैं तुमको बोलूं कि जो NC0 होता है और जो NCN होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, ऑलवेज. ये चीज तुमने याद रखनी है, ठीक है, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए. और दूसरी चीज, अगर मैं लिखूं NC1 तो वो हमेशा N के इक्वल होता है. ये दो सिंपल सी फॉर्मूला है जो आप थिंग्स टू रिमेम्बर में डाल सकते हो अपनी. ठीक है, आगे चलते हैं. यहां पे थे हम अभी. ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, राइट, माइनस. इसको लिख सकती हूं 12 इंटू कितने जीरोज आएंगे, 4. ठीक है, इसलिए कह रही थी. अब 9 क्या है, तो 9 का स्क्वायर करते कितनी कैलकुलेशन करते, इसे मैंने 12 किया, साथ में जीरोज लगा दिए, इसलिए कह रही थी कि ये वाला मेथड नहीं फॉलो करना, यही वाला करना, ये रीजन था उसका. प्लस साथ में 4800 माइनस 64. जब तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे तुम्हारे पास ये आंसर आएगा. और ये किसका आंसर है, 100 माइनस 4 के क्यूब का एक्सटेंशन का आंसर है ये. मतलब तुम क्या लिखोगे, 96 का क्यूब क्या होता है, 884736. दिस इज योर आंसर. आई होप आपको समझ आया हो. इन केस आपको नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम चैनल पर भी तुम अपने डाउट्स डाल सकते हो, और तुम मुझे मेल भी कर सकते हो, और भी कोई क्वेरीज कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि तुम्हें इसी का ही पूछना है, यही सब्जेक्ट का पूछना है, या जो मैं तुम्हें इस वीडियो में करा रही हूँ वही पूछना है. तुम और भी कुछ, अगर तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो तुमसे नहीं हो रहा, तुम वो भी पूछ सकते हो. डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम, बस वो मैथ्स का होना चाहिए. बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.